वेलकम बैक। वी शैल रीड अबाउट नोइंग नंबर्स। नोइंग नंबर्स में हम सब फर्स्ट पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम इस चैप्टर में जो भी इसका आया है कंसेप्ट उसको डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन इस वीडियो में इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पढ़ेंगे हम कंपेरिजन ऑफ नंबर्स। तो कंपेरिजन ऑफ नंबर्स में किस कोई भी दो डिजिट लेंगे उनका कंपेयर करेंगे। जैसे टू डिजिट है, फर्स्ट डिजिट अपन नंबर लिया 64, इसका कंपेरिजन करेंगे, कंपेयर करेंगे इसको किसी भी अदर डिजिट से। जैसे नेक्स्ट डिजिट लिए अपन ने 6, इन दोनों से इसको कंपेयर करेंगे तो ये जो डिजिट है वो है 1 डिजिट नंबर, ये डिजिट है वो है 2 डिजिट नंबर। ओके, तो 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर कंपेयर करेंगे तो अपने को है पता है कि कौन सी डिजिट बड़ी होगी 2 डिजिट नंबर वाली। तो 2 डिजिट नंबर वाली डिजिट कौन सी है, 64। ओके, तो ये हो गई ग्रेटर नंबर। किसी भी डिजिट्स को कंपेयर करने के लिए उसके डिजिट्स की पहले तो अपन नंबर्स देखेंगे। जैसे 2 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, 1 डिजिट नंबर है, उस हिसाब से अपन कर लेंगे। जैसे अब 2 डिजिट्स के कोई एग्जांपल लेते हैं। ये कितना है 94 और ये है 84। ओके, तो अब 94 इसका फर्स्ट है 9 और इसका फर्स्ट है 8। तो अपन देखेंगे 9 एंड 8, इनमें दोनों में से बिगर डिजिट कौन सी है, 9। तो इन दोनों में कौन सा होगा, 94। नेक्स्ट डिजिट लेंगे 320 और ये है 450। तो ये इसका फर्स्ट है 3, इसका फर्स्ट है 4। तो कौन सी डिजिट बड़ी हुई, 450। नेक्स्ट ले, इसमें फर्स्ट डिजिट है 6, इसमें फर्स्ट डिजिट है 16। दोनों में फर्स्ट डिजिट क्या है, सेम है, इसमें 624, इसमें 614। लेकिन जो सेकंड डिजिट है इसमें 2 और इसमें है 1। ओके, तो 2 ग्रेट है 1 से, तो ये डिजिट इससे ग्रेट हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इस हिसाब से अपन कोई भी कितनी भी बड़ी डिजिट हो उसका अपन पहले देख के उसको कर सकते हैं। कैसी भी डिजिट ले सकते हैं, वो 7 डिजिट नंबर, 8 डिजिट नंबर, कोई भी, लेकिन उसके लिए पहले से वैल्यू देखनी होती है कि उस डिजिट की पहले से वैल्यू क्या है। जैसे अब इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपन पढ़ेंगे पेलेस वैल्यू। पेलेस वैल्यू, ओके, तो पेलेस वैल्यू में क्या है, किसी भी डिजिट की जो अपन नंबर लिया उसके पेलेस, कौन सा पेलेस कहाँ है, किस डिजिट का कितना क्या पेलेस है। जैसे फर्स्ट है अपन ने कोई नंबर लिया है 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, ये हमने एक नंबर लिया है, इस नंबर्स को इसका पेलेस बताएंगे। तो पेलेस वैल्यू, नंबर्स की पेलेस टू वैल्यू पढ़ने के लिए टू सिस्टम्स होते हैं। फर्स्ट होता है इंडियन पेलेस वैल्यू और सेकंड जो होता है वो होता है इंटरनेशनल पेलेस वैल्यू। ओके, तो इंडियन पेलेस वैल्यू में क्या होता है, इंडियन पेलेस वैल्यू में 1, 10, 100, फिर 1000, 10,000, लैख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़। ओके, और जो इंटरनेशनल पैलेस वैल्यू होता है उसमें क्या होता है, 1, 10, 100, 1000, 100 तक दोनों सेम होती है, फिर 1000, 10,000, फिर उसके बाद क्या आ जाता है 100,000, 100,000 के बाद मिलियन, बिलियन, ये इस हिसाब से आता है। तो अब इसमें देखेंगे सबसे पहले इसका इंडियन पैलेस वैल्यू में ये हो गया 1 का जो पैलेस वैल्यू होगी वो होगी 1, 2 की हो जाएगी 10, 3 की हो जाएगी 100, 4 की हो जाएगी 1000, फिर 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़, ये इसकी पेलेस वैल्यू हो गई। अब इसी डिजिट नंबर से हम इंटरनेशनल पेलेस वैल्यू बनाएंगे, 9 8 7 6 5 4 3 2 1।
इसकी इंटरनेशनल पहले वैल्यू बनाएंगे तो सबसे पहले मैंने अभी बताया आपको कि 1:10,100 ये इसमें भी होगा 1:10,100, फिर इसमें 1000 और 10,000 इसमें हो जाएगा 1000 10,000 फिर 100,000, फिर इसमें लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ इसकी जगह जाएगा इसमें मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन फिर बिलियन 10 मिलियन 100 बिलियन। तो इसमें सबसे पहले 1:10,100,1000, 10,000 ये दोनों में सेम है, इंडियन पैलेस वैल्यू में भी यही है और इंटरनेशनल पैलेस वैल्यू में भी ये है, लेकिन जो यहाँ आता है ब्लैक तो इसकी जगह क्या होगा यहाँ 100,000। नेक्स्ट है इसमें 7 की पैलेस वैल्यू क्या है 10 लाख और यहाँ 7 की पैलेस वैल्यू क्या होगी मिलियन। लैक और मिलियन इक्वल नहीं है, ये नहीं है कि आप लैक को और मिलियन को बोल दो कि लैक इंडियन पैलेस वैल्यू में लैक होता है और इंटरनेशनल पैलेस वैल्यू में मिलियन होता है, ऐसा नहीं है। इन जो लैक होता है वो किसके इक्वल होता है 100,000 के, ओके। और जो ये 10 लैक होता है वो किसके इक्वल होता है 10 लैक इज इक्वल टू मिलियन, 10 लाख इक्वल होता है मिलियन के। तो मिलियन मिलियन के बाद आ जाएगा 10 मिलियन, जो इंडियन पैलेस वैल्यू में करोड़ होता है वो इसमें क्या जाएगा 10 मिलियन। नेक्स्ट है इसमें 10 करोड़ तो इसका हो जाएगा 100 मिलियन। तो इनकी जो पैलेस वैल्यू है अगर वो अपने को आती है तो अपन किसी भी बड़ी डिजिट्स को कंपेयर कर सकेंगे इजीली।